अस्सलाम वालेकुम, खुर्रम शहजाद आपके साथ मुखातिब है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा द पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। ये बुक मुझे कॉडी बैटमैन ने यूएसए से एज ए गिफ्ट भेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हिम। एंड इस बुक में लिखा हुआ है कि हाउ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे पीपल सक्सीड। ऑफकोर्स मार्केटिंग में ह्यूमन कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं चाहता हूँ मैं आपसे डिस्कस करूँ। वाई ह्यूमन कनेक्शन इज़ एवरीथिंग। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई थी जो कि हम बात कर सकते हैं। हाँ, डोंट आस्क फॉर द रेफरल, डिज़र्व इट। होता क्या है कि आज के टाइम में, कोरोना टाइम्स के अंदर, आप देखते हैं कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम कहीं जाके किसी क्लाइंट से नहीं मिल सकते। हम बेसिकली बीइंग कंट्री हेड आरकेबी पाकिस्तान, हमारा रोज़ का काम है कि हम डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंपनीज़ में जाके कंपनीज़ में लोगों से मिलते हैं और उनके साथ अपनी प्रोडक्ट पिच करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो इस चीज़ को अब हम मजबूर हैं हम फ़ोन पे, ईमेल पे, स्काइप कॉल, वीडियो लिंक के थ्रू करें। और कोई ऑप्शन नहीं है, जा नहीं सकते आप बाहर, आप सेल्फ आइसोलेटेड है। बिकॉज आपने पहले सर्वाइव करना है, फिर उसके बाद काम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम को सर अंजाम देने के लिए, उस पर आज आप, हम सब कंपनीज ग्लोबल लोकल मिल के सोच रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरह से अपनी टीम्स को इंगेज रखें और अपनी प्रोडक्टिविटी को कम ना होने दें। तो जैसे इन्होंने लिखा कि डोंट आस्क फॉर द रेफरल, डिज़र्व इट, इसका मतलब है ज़्यादातर हमारे पास आते हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज के लोग और कहते हैं कि प्लीज़ आप इंश्योरेंस ले लीजिए। हम कहते हैं हमने ऑलरेडी प्लान लिया हुआ है, हमें नहीं चाहिए। तो कहते हैं अच्छा ऐसा करें, आप किसी को रेफ़र कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में किसी का भी दिल नहीं चाहता कि एक अजनबी आदमी जो आपके ऑफिस में चल के आई, अपने आपको कॉल किए रैंडमली और आप उसको कहें अच्छा ठीक है इसको भी रेफ़र करें, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कनेक्शन बिल्ड हो जाए, पहले आपका कनेक्शन उस शख्स के साथ बिल्ड हो जाए। आप उसको खुद कहें कि आप अच्छे प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि आप इस शख्स को कांटेक्ट करें मेरे नाम से और मैं ओन करता हूं इस रेफरल को और आपको हो सकता है वहां से लीड मिल सके। वो खुद आपका क्लाइंट बन जाए या वो आपको किसी और पोटेंशियल क्लाइंट तक लीड जनरेट करके दे सके। तो ह्यूमन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आज के टाइम में अगर हम नहीं जा पा रहे बाहर, फिज़िकली नहीं मिल पा रहे लोगों से, तो रबते ख़त्म नहीं होने चाहिए। चाहे आपके कोलीग्स हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, आपको चाहिए कि आप घर बैठे हैं तो इस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। घर में भी आप वो सारी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करें जो आप समझते हैं कि बाहर जाके हो सकते हैं। पार्क नहीं जा पा रहे तो घर में अगर ट्रेडमिल है या अगर घर में आपके पास कोई एक्सरसाइज का ऐसा अरेंजमेंट है तो आप उसके थ्रू अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करें। फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ़िज़िकल इंटेलिजेंस, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी और इसके ऊपर मैंने कुछ लेक्चर्स भी डिलीवर किए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेनली चार चीज़ों पे फोकस किया गया। नंबर वन, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में नॉट ओनली फिज़िकल स्ट्रेंथ, आपका पोस्चर, ब्रेथ, सेंटरिंग, आपकी पोजिशन, आपका, आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स के रिएक्शंस, एक्शंस होते हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल से बात की गई। कौन कौन से केमिकल्स हैं जो आपके माइंड के थ्रू बॉडी में रिलीज़ होने के बाद आपको हैप्पीनेस की फीलिंग देते हैं, आपको सैडनेस की फीलिंग देते हैं या आपको ऐसी कोई और स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग सही ना कर पाएँ। स्ट्रेंथ के बाद इसमें आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं आप अपनी लाइफ में, अपनी डिसीजन मेकिंग में, अपनी डेली की एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है बाउंस बैक करना, कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है आपकी लाइफ में तो आप कितनी जल्दी वापस पलट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेते हैं। और लास्ट टॉपिक है एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म गेम। लेट सपोज आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आपने चूज़ कर लिया है, लेट सपोज आप चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने और आपको उसके लिए 10 साल, 20 साल या इवन 22 साल लगेंगे, तो उसके लिए एंड्योरेंस चाहिए रहा। कितनी दफ़ा आप फेल होंगे, कितनी दफ़ा आप परेशान होंगे, कितनी दफ़ा आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि आपको लगेगा कि अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड यू नेवर हैव टू गिव अप। सो एंड्योरेंस इज़ टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड इफ देर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देन इट इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू गो रीच देयर फर्स्ट एंड देन क्रिएट द लाइट एट वट एवर प्लेस यू वॉन्ट। सो दिस इज़
how you can make your work from home time very productive and useful. You can learn new skills, you can read new books, you can make new friends online, you can help and support your family, you can basically improve the culture of your home actually. So you can have better understanding and engagement with your family, siblings and kids and close ones. So this is my message to you from my side, and hopefully tomorrow again I'll be recording another video for you with some other topic. Thank you so much. God bless you and stay safe. Don't go out. Be at home and take care of yourself. Khuda hafiz. God bless you.